हाय गाइस, हेलो 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 हेलो, सबको ज्वाइन होने दो, देन विल टॉक. ओके, आई एम सो सॉरी, बाहर से बहुत आवाज़ आ रहा है, प्लीज गाइस इग्नोर दैट, आई कांट हेल्प इट. ओके, जल्दी आ जाओ गाइस, एवरीवन, क्विक 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 क्विक. मुझे बहुत बातें करनी है आज, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे, तो आई जस्ट थॉट कि आई शुड क्लियर दिस आउट विथ यू गाइस. सो या, वाशु का बुरा लग रहा है. एग्जैक्टली, आप आ जाओ सब लोग, आई नीड टू टॉक टू यू गाइस. Hey lucky chump of Prince Gang, thank you so much. It's a big compliment. Okay. Quick. Jaldi aa jao guys. I don't have much time. I just have 15 to 20 minutes. In my hand, hardly 15 to 20 minutes actually. I am out with my family, but then it is very important to me to tell you the truth, exactly what happened and jo bhi situation hai wo main sochi main aapse explain karu, because itne time se aap logo ne mujhe itna pyar diya hai and I'm glad actually. Itna kabhi maine socha nahi tha, but jo aaj ka scene hua hai, I know कि बहुत लोग नाराज़ भी होंगे, बहुत लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि मैंने जान पूछ के किया है. सो आई जस्ट नीड टू टॉक, सो आई थिंक एवरीवन शुड कम. हाय हाय, नाउ इट्स क्लियर दैट वाशु इज अ विनर. यार अब तक कुछ क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. हाय राजवीर, ओके, सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट. ओके, सो आई टेल यू गाइज, मुझे बहुत सारे डीएम्स आए हैं रिगार्डिंग कि आपने वाशु को क्यों नहीं चूज किया. ओके, एंड देन मुझे ये भी आया कि आपने शायद जानबूझ के नहीं चूज़ किया क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट, तो सबको पता है वो वाशु है. ओके, ये मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं मुझे कि आपने जानबूझ के किया. ओके, फर्स्ट थिंग गाइज, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने कुछ ऐसा सोच के या मुझे वाशु को लेना नहीं है टीम में तो मैं नहीं लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है. आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. वहां पर जैसे आपने देखा होगा, इवन गौतम गैंग, इवन रिया गैंग, इवन प्राक्रम एंड ऋषभ, ठीक है, वो लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे टास्क के टाइम, ठीक है, क्योंकि जो टास्क था ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, टू बी फ्रैंक. ओके, इट विल बेटर, मुझे ना चाहिए कि आप लाइव सबको शेयर करें और सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लैरिटी मिलेगी एग्जैक्टली आज के बारे में, क्योंकि मैं आई थिंक ये लाइव शेयर नहीं करने वाली. सो आई वॉन्ट कि जितने लोग आ पाए उतने लोग आओ, और जस्ट आई एम जस्ट हियर फॉर 15 मिनट्स. सो या, सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट. सो वहां पर आपने देखा होगा प्राक्रम भी बहुत कंफ्यूज हुआ था, उसको ऐसा लगा कि वो पीहू नहीं है, वो पल्लवी है, बट देन वो पीहू निकली. फिर इवन ऋषभ के साथ ये हुआ, उसको लगा कि राजवीर है सचिन, बट देन वो राजवीर निकला, वो सचिन नहीं था. सो गाइस, क्या हो रहा था पता है, आई टेल यू. जब भी मैं टास्क कर रही थी ना, सो मुझे पता था कि मैं बस 5 लोगों को चूज कर सकती हूँ. ओके, सो मुझे ये नहीं चाहिए था कि मैं घाई घाई में किसी ऐसे को चूज करूँ कि जो मुझे मेरे गैंग में नहीं चाहिए. ओके, नाउ आई टेल यू, जैसे आकृति का हुआ था वो टाइम, तभी कुछ ऐसा नहीं था कि आकृति इज अ वीक परफॉर्मर, ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारे ग्रुप में से उसका नहीं जमता था. एंड सेकेंड थिंग, मेरा और आकृति का इतना बातचीत होती नहीं थी वो टाइम पे, सो आई फेल्ट कि आकृति हमारे गैंग के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, दैट्स इट, नथिंग एल्स. एंड
ये हुआ. उसके बाद मुझे कुछ आकृति से ऐसे पर्सनल ग्रजेस कुछ नहीं है. शी इज वेरी गुड. हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है अभी भी, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप ऐसे सोचो मत कि अगर गेम के अंदर हम किसी को चूज नहीं कर रहे, ओके, एंड या कुछ गेम के अंदर झगड़े हो रहे हैं, सो वो हम बाहर भी निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. सो या वो सीन तो हो गया. उसके बाद जैसे आपने देखा, तो मेरे दिमाग में ना गाइज ये एक ही था कि मुझे ना जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं करना कि कोई मैं ऐसे पर्सन को मेरे गैंग में लाऊं जो आगे जाके मतलब वो पर्सन हमारे साथ नई अलायंस बना पाएगा या हमारे गैंग में वो एक वीकलिंग होगा क्योंकि वो हमारे गैंग के साथ नहीं चलेगा. ओके सो मैं इसके लिए एकदम आराम आराम से कर रही थी ना. मैं मेक श्योर कर रही थी कि मैं जिसको भी कलर लगा रही थी ना कि वो पर्सन वो 100% वो ही होगा. सो फॉर एग्जांपल जब मैं शिवी को कलर लगाया, जब मैंने प्रियंका को कलर लगाया, जब मैंने हिमांशु को कलर लगाया, तभी आई वॉज 101% श्योर कि ये पर्सन यही है. मुझे 1% भी डाउट होता था ना कि ये है क्या, तो मैं नहीं करती थी, मैं बैक ऑफ कर लेती थी. सो हाँ, और जब भी वाशु का आया था, टू बी फ्रैंक वो टास्क, ओके गाइज, वो आई डोंट नो आपको, मैंने इतना अभी तक पूरा अच्छे से एपिसोड देखा नहीं है बिकॉज आई एम आउट राइट नाउ, बट व्हाट हैपेंड, वो जो टास्क था ना, वो जो जंगल था, इट वाज वेरी ह्यूज, ओके, वेरी वेरी ह्यूज, बहुत ही ज्यादा बड़ा जंगल था. वो जंगल में हमें एक क्यू कार्ड दिया, ठीक है, वो क्यू कार्ड में तीन क्वालिटीज लिखे है या हिंट्स लिखे है या क्लूज लिखे है, व्हाटएवर, तो वो पढ़ना है. और अब वो क्लू बस हमें प्रिंस गैंग का नहीं है गाइस, वो क्लू गौतम गैंग का भी है, वो क्लू रिया मैम के गैंग का भी है. ओके सो हमें ये भी सोचना पड़ता है. अभी फॉर एग्जांपल जब भी ओवर एक्साइटमेंट आया था, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ओवर एक्साइटमेंट शायद से राजवीर भी हो सकता है, बिकॉज राजवीर है थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट है, वो हमेशा हर टास्क के टाइम वो थोड़ा हमेशा बहुत ही एनर्जेटिक टाइप रहता है. ओके सो कहीं ना कहीं मुझे ये था कि यार ओवर एक्साइटमेंट राजवीर थोड़ी ना है, एंड वो टाइम पे हमें वो क्लू पढ़ना है प्लस वो नंबर ढूंढना है, ठीक है. अब वो नंबर कोई कोई ट्रीज में से ना गिर चुका है, ठीक है, हमें नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, वो नीचे पड़ा है नंबर, आपको समझ रहा है चीजें. सो वो बहुत ही एक था कि हमें उतने टाइम में कंप्लीट करना है वो टास्क प्लस, ओ माय गॉड, ओके सो हाँ, सो हमें उतने टाइम में वो टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है, और हमें मेंबर्स को भी ढूंढना है प्लस हमें करेक्ट मेंबर्स को ढूंढना है, ऐसे ना हो कि कोई और मेंबर्स को लाए. आर यू गेटिंग? सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वाशु को ढूंढ नहीं रही थी, मैं वाशु को ढूंढ रही थी बट मुझे वो नहीं मिल रहा था कहीं ना कहीं. जितने मुझे मिल रहे थे, अभी फॉर एग्जांपल जब मैंने आकृति का बोला था कि मुझे पता लग गया था कि वो आकृति है, ठीक है, तो अगर ऐसे ही अगर मुझे पता लगता कि वो वाशु है तो मैं अपने वीडियो में बोल देती, मैं ऐसा हाइड करके नहीं रखती. सो कहीं ना कहीं आई डोंट नो गाइज आपके दिमाग में ऐसा क्यों है कि मैंने जान पूछ के लिया नहीं है. बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे ये भी आए हैं कि हाँ ठीक है, मतलब आशु इतने सारे टास्क हारे हैं तो वो कहीं ना कहीं सही भी है. तो ये भी नहीं है, मेरे दिमाग में ये चीज भी नहीं आई थी कि नहीं आशु अपना बेस्ट नहीं दे रहा, इसके लिए मैं उसको नहीं ले रही अपने टीम में या व्हाटएवर. इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा जरा भी नहीं है. बट हाँ, मैंने सोचा कि मैं आऊं और मैं ये क्लियर करूं चीजें, एंड आई होप जोगिंदर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. बट क्या होता पता है, जोगिंदर कोई कोई एक पर्सन होता है ना गाइज कि आपका नहीं जमता वो पर्सन के साथ. सो मेरा है ना गाइज ऐसा, मैं पीठ पीछे नहीं बोलती, ओके, मुझे अगर कोई चीज कोई इंसान पसंद है मैं वो इंसान की बहुत तारीफ करूंगी, ठीक है, बट अगर मुझे कोई इंसान नहीं पसंद तो मुझे वो नहीं पसंद. मैं फेक नहीं कर सकती कि हाँ भाई मुझे ये पसंद है, और मैं वो इंसान के सामने एकदम अच्छे से रहूं, मैं स्वीट रहूं
और मैं पीठ पीछे उसकी बातें करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकती, वो मेरी पर्सनालिटी ही नहीं है। अगर मुझे कोई इंसान नहीं पसंद, मैं मुंह पे बोल देती हूँ हाँ भाई नहीं पसंद। सो हाँ गाइज, ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्पेक्ट एंड ऑल, अगर नहीं पसंद तो मुझे नहीं पसंद, ऐसा नहीं है। मैं रिस्पेक्ट नहीं करती, बट कोई कोई चीज नहीं मुझे उनका जमता, जैसे वो बात करते हैं नहीं होता। सो या और आप हर किसी को भी, फॉर एग्जाम्पल मुझे भी हर कोई प्यार नहीं करता, करेक्ट? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं आशिका फेक है या कुछ ज्यादा ही करती है, सो इट्स फाइन, इट्स देयर चॉइस। तो मैं उनका चॉइस चेंज नहीं कर सकती, आप हर किसी को प्यार नहीं दे सकते, करेक्ट? सो या जस्ट लाइक दैट, मैं बस पीठ पीछे वो इंसान के बारे में गलत नहीं बोल सकती और बाद में सामने जाके एकदम हाँ तू ही मेरा यार, तू ही मेरा प्यार, आई कांट डू दैट शिट। हिमांशु, जिस तरीके से चूज किया आपने, सो गाइज ऐसा, ओके अगेन आई टेल यू वन थिंग, जब हिमांशु का बारी आई थी, ओके तभी क्या हुआ था, मैं सोच के नहीं आई थी कि मैं हिमांशु को अपने गैंग में लूंगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट ये था कि मैं अपने गैंग मेंबर्स से जो मेरे क्लोज है टॉप थ्री, मैं उनको मेरे गैंग में लूंगी, उसके बाद मैं बाकी सबको देखूंगी जो मुझे लगे कि हाँ ठीक है मैं लूंगी। क्योंकि वो टाइम गाइज मैं अपने, टू बी फ्रैंक ऐसा नहीं है, मैं अपने प्रायोरिटीज देख रही थी, सब लोग अपने अपने प्रायोरिटीज देख रहे थे, कौन किसके ज्यादा करीब है और गैंग के लिए क्या अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं जिसको ले नहीं रही थी मुझे वो इंसान पसंद नहीं या व्हाट यू से कि मुझे उससे नफरत, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ग्रजेस नहीं है गाइज, नथिंग लाइक दैट। बट जस्ट मैं आई वॉज जस्ट, जैसे आपने देखा कि हमारा टीम स्टार्टिंग में थोड़ा लो था, तो थोड़ा टीम के लिए आई नीड टू डू दैट। सो डू यू मीट हिमांशु नाउ, मतलब बात होती है, वो चंडीगढ़ में रहता है तो बीच बीच में बातें होती है हमारी। ओके ऋषभ लॉयल रहने की बात करता है, वो खुद कान चूज करने गया था। ओके सो कांड का भी आई टेल यू व्हाट हैपेंड, जैसे मुझे पता चला ना कि कांड है, ठीक है, तो मैंने देख लिया था कि कांड, जब भी आप कुछ कांड करते हो तो उसका उल्टा हो जाता है और वो हमारे ही गैंग पे आ जाता है, करेक्ट? तो मेरा ये था ना कि भाई मैं खुद को बचा के मेरे गैंग मेंबर्स को डिफिकल्टी में नहीं डालूंगी, ठीक है, मैं खुद परफॉर्म करूंगी, मैं हर मैं खुद परफॉर्म करूंगी, मैं एक सेकेंड, ओके सो मेरा ये था कि मैं कांड तो उठाऊंगी नहीं, मैं अपना परफॉर्मेंस दूंगी, मैं परफॉर्मेंस जीतूंगी और इम्यूनिटी लूंगी खुद के लिए, ठीक है, मेरा तो दिमाग में ये था। इसके लिए मैं बोला कांड तो नहीं करूंगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट, मुझे वो अच्छा भी नहीं लगेगा कि मेरे वजह से कोई दूसरा मेंबर्स चले जा रहा है गैंग से, जैसे लास्ट टाइम प्रियंका चौधरी का हुआ था, प्रियंका चौधरी ने कांड किया था, उसके बाद इम्यूनिटी देना पड़ा, बट देन तो वो सब मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे वजह से कोई और पर्सन चले जाए, क्योंकि हर कोई यहाँ पर मेहनत करके आया है, कि मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि मैं अपने बस इम्यूनिटी के लिए मैं मेरे गैंग मेंबर्स को डेंजर में डालू। सो या चूज वन बिटवीन हिमांशु और वाशु, वाशु ही इज वेरी क्लोज टू मी, हिमांशु आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हिमांशु इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, नो डाउट, हाय कशिश, सो हिमांशु इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नो डाउट, बट वाशु एंड मी वी शेयर सम बॉन्ड, गुड बॉन्ड। डू यू लाइक वाशु? यस आई लाइक वाशु, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो हाँ, हाय कशिश, हाय क्यूटी, सो हाँ, सो अभी आपको, अभी मेरा इतना सुनने के बाद आपको क्या लगा, आई वॉन्ट टू नो,
Where are you? Arey Kashish, I'm with my family. I came here near Mahabaleshwar, that hill station. Thoda family ke saath time spend karne aayi hu. Okay. Vashu change to nahi ho jayega na gang badalne ke baad. वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, वो मैं आपको पक्का मतलब मैं तो नहीं बता सकती यार, मतलब आप देखो आपको पता चल जाएगा. हिमांशु को भी ऐड करो. हिमांशु भी आई थिंक वो लाइव में है, अपने आने वाला है. सो या वाशु शुड हैव बीन ओके. सो अभी आपको इतना सब सुन के आपको क्या लगा? स्पॉइलर दे दो. क्या दे दो स्पॉइलर बता दो. हमें बस ये लगा कि आपने स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है इस बार. यस एंड 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 मुझे ये भी बोलना है कि लाइक प्रिंस गैंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. आई एम वेरी सॉरी वाशु, अगर आप देख रहे हो मेरा लाइव. आई डोंट नो वाशु देख रहा है या नहीं देख रहा है मेरा लाइव, बट देन फॉर वाशु एंड प्रेम मुझे दिल से बुरा लग रहा है. प्रेम के लिए भी आई एम रियली सॉरी प्रेम, अगर आप ये देख रहे हो, क्योंकि अभी भी प्रेम और मैं हम बहुत अच्छे से बात करते हैं. एंड लाइक बाहर आने के बाद भी मेरा और प्रेम का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, बट अंदर नहीं था इतना. लाइक मेरा प्रेम का भी बहुत झगड़े होते थे अंदर, क्योंकि अंदर क्या होता था ना गाइज, आप इतना जल्दी किसी एक इंसान को ना नहीं पहचान पाते. करेक्ट. सो ऐसे ही हुआ था कि मैं आकृति को भी इतना अंदर नहीं पहचानती थी, क्योंकि हमारी बातचीत नहीं होती थी अंदर, क्योंकि पूरे टाइम टास्क होता था, फिर वोट आउट्स होते थे, तो नहीं टाइम मिलता था. करेक्ट. सो या आई एम रियली सॉरी वाशु, अगर आप देख रहे हो ये, मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ. आशिका आपको अभी रोडीज में फोटो फोन अलाउ है क्या? नहीं है अलाउ, फोन अलाउ नहीं है हमारे अंदर. क्या मतलब जर्नी के स्टार्टिंग में ही वो फोन ले लेते हैं. सो वो भी एक चीज होता है ना गाइस कि देखो आपके पास फोन नहीं होता, वो ही इंसान होते हैं वो कुछ लोग जिनके साथ आपको पूरा एक महीना रहना है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, रोडीज जर्नी इज नॉट ईजी एट ऑल. सो हाय दर्शिता, व्हाट्स अप. ओके सो आई वांट टू नो कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस है. आपके दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, आप मुझे पूछो, मैं क्लियर करूंगी आज के टास्क के बारे में. ओके सो मैं आज खास आई हूँ. लाइक मेरे फैमिली फ्रेंड्स इज आउट देयर चिलिंग, बट देन आई एम हियर बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि आपके दिमाग में कुछ भी गलत चीजें हो. ठीक है, क्योंकि आपको मेरा साइड भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मैं क्या सिचुएशन में थी. और ये चीज मैंने वाशु के साथ भी बात किया है और वो समझ चुका है कि एग्जैक्टली क्या था सिचुएशन मेरा. सो मैं यही चाहती थी कि मैं आऊ लाइव एंड देन मैं मेरा साइड बताऊ एग्जैक्टली कि मैं क्या गो थ्रू कर रही थी, मेरे दिमाग में क्या चीजें थी. और वो टास्क गाइज इट वॉज क्रेजी, इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल, लेट मी टेल यू. बहुत ही मतलब मे बी आपको ऐसा लग रहा है ना कि जो वाशु का था क्लू बहुत ईजी है, अरे ये तो पहचान लूंगी, बट गाइज इमेजिन वहां पर हर गैंग के क्लूज है, गौतम सर के क्लूज है, और हमें पता नहीं है कि कौन से क्लू किसके है. हमें बताया नहीं है कि ये गौतम सर ने क्लू दिया है, ये रिया मैम ने क्लू दिया है, ये वो मिक्स मैच थे, 15 नाम था ऐसी रैंडमली. ओके एंड क्लूज थे. अभी आप सोचो वो 15 नाम आपको पढ़ना है, आपको क्लूज ढूंढना है, इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी. योर क्लोजेस्ट बॉन्ड विथ किधर गया? ओके विथ विच कंटेस्टेंट इन शो? ओके अगर अभी आप बोल रहे हो कि मेरा किसके साथ सबसे अच्छा बॉन्ड है, तो इट्स ऑब्वियसली माय बेस्ट थ्री, शिवित वाशु प्रियंका. हाय अमित. सो मुझे बस ये था कि कुछ भी हो
मैंने आई नो मैंने बहुत टाइम लगाया, बहुत सोच रही थी एक इंसान को कलर लगाने से पहले मैं 5 मिनट ले रही थी भाई वो इंसान है, बट आई फील कि मैंने एक स्ट्रांग टीम बनाया है और मैंने प्रिंस सर को एटलीस्ट नाराज नहीं किया. आई नो वाशु से थोड़ा है, थोड़ा बुरा लग रहा है हमें सबको, बट जो भी है मैंने एक टीम स्ट्रांग बनाया है. पीहू के साथ सब कैसे है आपका? पीहू के साथ इतनी बातचीत नहीं होती बट सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है. ओके बिग फैन, थैंक यू सो मच. हाय प्रीति. ओके वाशु को क्यों चूज नहीं किया फिर? अरे अभी तो मैंने इतना बताया स्टोरी स्टार्टिंग से, आप अभी लेट आए क्या जी? मैं ये लाइव है ना शेयर कर लूंगी क्योंकि आई वॉन्ट कि बहुत लोग अभी आए हैं, अभी ज्वाइंड हो रहे हैं तो उनको नहीं पता. अब देख लेना जो भी इंसान अभी आया है मैं लाइव शेयर करूंगी, आप प्लीज पूरा लाइव देखो, आपको सब समझ आएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे हुआ था. ओके कुछ क्वेश्चंस और कोई क्वेश्चंस? यू आर दैट वन रूडी दैट एवरीवन एडमायर्स. थैंक यू सो मच. और मतलब मुझे, मैं इसके लिए आज आई ना कि मुझे हमेशा आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है. लाइक हेट कमेंट्स आते हैं मुझे 10%, बट जो 90% प्यार आप लोगों ने दिया है मुझे, इट्स लाइक इट मीन्स अ लॉट. और आज मुझे बहुत लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्यों किया, कैसे किया, फिर आपने चूज क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों किया, वो किया. सो आई नो कि आपके दिमाग में भी बहुत कुछ चलता रहता है कि कैसे, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आके सब क्लियर आउट करूँ, आपके साथ बैठूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि बहुत टाइम से भी मैं लाइव नहीं आई हूँ. बहुत टाइम हो गया एक्चुअली, आई थिंक इट्स मोर देन 1-2 वीक्स मैं नहीं आई हूँ लाइव. सो या ओके व्हाई जोगी वाज सो ऑफेंड इन द प्रोमो? आप देखो उसको शायद वो पसंद नहीं आया, प्रिंस सर ने उसको ब्रेनलेस कहा. या बट देन प्रिंस सर का भी इज नॉट फॉल्ट, बिकॉज मतलब प्रिंस सर ने जैसे प्रियंका को भी लिखा कि बिग लिप्स, तो ऑफकोर्स अगर आप कुछ ऐसे क्वालिटीज लिखोगे, अभी जोगिंदर के लिए भी लिखा था सीधा साधा, बिकॉज ही इज वेरी सीधा साधा लड़का, ठीक है. सो वैसे ही प्रियंका के लिए लिखा था लाइक बिग लिप्स एंड मूवफट, तो मुझे फटाक से समझ आए कि एग्जैक्टली वो पर्सन है कौन. इसके लिए इट्स नथिंग यू शुड टेक. ओके सो इट्स नथिंग कि आप कुछ पर्सनल लो चीजें, राइट. हिमांशु और आप बहुत अच्छे दिखते हो, थैंक यू सो मच. आई फील जोगी को मैन्युपुलेट किया गया है, हो सकता है, ये चीज हो सकती है. मतलब ये तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड. ओके और क्या क्वेश्चंस है? क्विक गाइज. वाशु का रिएक्शन बहुत कॉमेडी था. कौन सा रिएक्शन समझा नहीं मुझे. दी वाशु जीत गया है प्रिंस गैंग से, प्लीज एक बार मेरा लो. हाय इरफान व्हाट्सअप. हाय प्रीति एंड अदिति व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस. हिमांशु के लिए क्या? ओके वेट हिमांशु इट्स गोइंग अप. हिमांशु को ले लिया साजन जन करके यार है वो इसका साला. व्हाई यू डिडंट चूज वाशु इसका? ओके सो जो भी अभी आया है व्हाई डिडंट आई चूज वाशु, मैंने इसका पूरा रीजन बता दिया है. आप लेट ज्वाइन हुए लाइव और मैं ये लाइव शेयर करूंगी सो यू कैन सी, यू कैन वॉच एवरीथिंग. ओके
काश वाशु प्रिंस गैंग में होता. यस 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 वाशु भी होता. आई एंड नो बुरा लग रहा है मुझे भी, बट देन नहीं समझ रहा था यार वो टाइम. मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि एक तो मेरे दिमाग में था कि मुझे फटाफट टास्क कंप्लीट करना है, प्लस लोगों को भी ढूंढना है. सो या विल यू कम इन लव स्कूल और स्प्लिट्सविल? ऑफ कोर्स इफ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ऑफ कोर्स आई विल कम. क्या क्या क्वेश्चंस है? आप खुद क्वेश्चन पूछने का बोल रहे हैं फिर आप नहीं रीड कर रहे. मैं रीड कर रही हूँ बट जो रिपीटिव क्वेश्चंस है ना वो मैं बस रीड नहीं कर रही हूँ. मतलब जो आप बोल रहे हो कि वाशु को क्यों नहीं लिया, मैंने ऑलरेडी उसका आंसर दे दिया है. फिर जो रिपीटिव क्वेश्चंस है ना वो मैं बस नहीं कर रही हूँ. काश ऋषभ कांड कर देता. ऋषभ कांड कर देता तो हम किसको करते? कौन कौन था? हमारा तो बस था यार हम बाबा प्रिंस गैंग में से कोई कांड ना करे. मैं नहीं उठाऊ कांड बस, बाकी कोई भी उठा दे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. हिमांशु एंड यू आर नॉट क्लोज एनीमोर. गाइज वी आर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है वी आर नॉट क्लोज, वी आर फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, बातचीत होती है. ओके यू आर अ स्ट्रांग प्लेयर, थैंक यू सो मच. हाय सौमी. हिमांशु के साथ रिलेशनशिप में हो नहीं, आई एम नॉट डेटिंग एनीवन गाइस. नाउ यू आर इन विच गैंग? Now you are in which gang? You are asking me. आज का एपिसोड देखो गाइज. बॉयफ्रेंड है क्या आपका? नहीं, आई एम सिंगल गाइज. सिंगल लाइफ बहुत पीसफुल होती है. यू आर माई इंस्पिरेशन, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Will Prince Gang perform good in future? ये तो आपको देखना पड़ेगा, मैं आपको नहीं बोल सकती. या हाउ इज आंटी अंकल एंड नियति? दे आर गुड, सब बहुत बढ़िया है. सिंगल हू? You and Himanshu look very nice. Thank you so much. Thank you so much. Why are you not coming live with Himanshu? अरे Himanshu is already live with I think he is live. वो 10:30 को आने वाला था live. तो वो अपने live में होगा. So yeah. और कुछ नहीं. You are so bold and strong. Thank you so much. Thank you so much. Add Himanshu. Himanshu is might be busy. Okay, so मैं questions जरा read कर रही हूँ. Just give me some time. यार गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस. ओके ओके सो आई डोंट थिंक सो और कोई आपको क्वेश्चंस है. सो या मैं बेसिकली यही चीज के लिए आई थी, ये बात करने आई थी आज के टास्क के बारे में. एंड मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से टाइम निकाल के आऊंगी फॉर श्योर. ओके एंड मैं बहुत सारी बातें करूंगी. बस इतना याद रखना कुछ भी चीज जानबूझ के नहीं हुई है, वो एक गेम है. गेम के अंदर अगर आप चीजों को गेम के अंदर ही रखोगे इट्स वेरी गुड. और या एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब आए और आपने इतना
पेशेंटली सुना मेरी चीजें, इट मीन्स अ लॉट. ओके अगेन आई एम सो सॉरी मैंने वाशु को नहीं मैं चूज कर पाई. आई नो यू गाइज आर अपसेट अबाउट इट बट या बट देन वाशु कहाँ पर भी परफॉर्म करेगा वो अच्छा ही करेगा. आई बिलीव इन हिम. सो या हिमांशु को ऐड करो. हिमांशु नहीं है यार दी, प्लीज रिप्लाई करो. प्लीज ज्वाइन स्प्लिट्सविला या खतरों के खिलाड़ी. यस डेफिनेटली अगर मुझे चांस मिला ऑफ कोर्स आई एम गोना डू इट. यू आर मराठी? यस आई एम महाराष्ट्रियन. हाय हिमांशु के साथ लाइव आ जाओ. हिमांशु इज बिजी गाइज. अदिति प्रीति गाइज व्हाट्स गोइंग ऑन? सो गाइज ये आपको कॉमेंट दिख रहे हैं अदिति एंड प्रीति के, दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. ठीक है लाइक मैं मेरे साथ वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, दे आर ऑल्सो मलखाम प्लेयर्स. तो हमारी प्रैक्टिस हम इतने क्लोज है बट अभी वो लोग मुझे ना चिढ़ा रहे हैं. ठीक है एक दूसरे से बात करके पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रहे वो लोग क्या बात कर रहे हैं. बट हाँ वो लोग मुझे ऐसी सताते रहते हैं जैसे शिवी प्रियंका वाशु मुझे सताते हैं ना, वैसे ये लोग भी मुझे सता रहे हैं. प्रीति या नदिति मैं तुम लोग को देखती हूँ. ठीक है मिलो. ओके ओके सो गाइज बाय. आई लव यू ऑल. आई एम ग्लैड कि आप सब आए, इतना आपने सुना मेरी बातें. ओके और नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगी तब मैं अच्छे से टाइम निकाल के आऊंगी और मैं आपके साथ बातें करूंगी, आपके साथ लाइव आके बातें करूंगी विच विथ एवरी वन. और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो गया आप मुझे कभी भी डीएम कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगी और मैं आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट यार ये आवाज सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी मैं, डोंट वरी. ओके सो या आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर मी. बाय.